जिले में मुस्लिम जमीयत उलेमा के लोगों ने कलेक्टर पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने प्रशासन से बकरीद और सावन के सोमवार को एक ही दिन को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। दरअसल बकरीद और सावन का सोमवार लगभग एक ही दिन पड़ रहा है, जिस कारण सावन के सोमवार पर फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से कांवरिया जल भरकर गोला गोकर्णनाथ समेत शहर के अन्य मंदिरों में भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। रास्ते में बकरीद पर जानवरों के बाजार भी लगते हैं। माहौल ना बिगड़े इस वजह से जमीयत उलेमा के करीब 2 दर्जन लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। क्या पूरा प्रकरण है? इसमें प्रकरण ये है कि आगे आने वाली तिथियों में क्या 12, 13, 14, 15 में बकरीद भी पड़ रही है और उनका कांवरियों का भी धार्मिक मेला है, तो इसमें कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं वहाँ से हम लोग जानवर खरीद लाते हैं, बीच में कोई बवाल हो जाए, इसलिए इनको ज्ञापन देना पहले जरूरी समझा ताकि शासन प्रशासन अपनी व्यवस्था को दुरुस्त रख सके, किसी तरीके कोई घटना न घट सके। मौलाना सलाउद्दीन कासमी, महासचिव जमीयत उलेमा फर्रुखाबाद। किस वजह से मिले डीएम साहब से? आज आप डीएम साहब से जो आने वाला हमारा त्यौहार बकरीद है 12, 13, 14 में पड़ रहा है और उसी दरमियान हमारे बिरादरान वतन जो हैं कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं और हम लोग ईद उल अज़हा में बकरीद में जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो हम लोग जानवर एक जगह से खरीद कर दूसरे अपने स्थान तक लाने में कोई दिक्कत कोई दुश्वारी पेश ना आए, इस सिलसिले में हम लोगों ने डीएम साहिबा से आज मुलाकात की है और अपना विज्ञापन सौंपा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाको चौबंद रहे।